अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुक विद सारा। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा, वो भी तवे पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डव बनाने के लिए हमारे पास 1.5 कप मैदा है, 1 टेबल स्पून ऑयल, हंसी जायका नमक, 2 टेबल स्पून शुगर और ईस्ट हमारे पास है। दूध हमने नीम गर्म कर लिया है, ये 1 कप है, जिससे से मैंने 3 टेबल स्पून निकाल लिया है, जो हमारे ईस्ट को राइस करने में हमारे काम आएगा। एक प्याले में 1 टेबल स्पून ईस्ट डालेंगे, 2 टेबल स्पून शुगर और 3 टेबल स्पून मिल्क। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और राइज होने के लिए किसी गर्म जगह पर इसे 20 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम अपनी चिकन प्रिपेयर करते हैं, जिसके लिए हमारे पास 1 पाव के करीब चिकन है, जिसके मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 2 टेबलस्पून चिकन टिक्का मसाला, 2 टेबलस्पून विनेगर और 2 टेबलस्पून ऑयल। प्रीहीटेड स्टोव पर हम अपने चिकन को पकाते हैं, उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये अच्छे तरीके से पक ना जाए। जब तक चिकन हमारी तैयार होती है, हम अपने डव प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम मैदे में 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, हंसी जायका नमक डालेंगे। आप देख रहे हैं कि ईस्ट हमारा कितने अच्छे से फूल चुका है, इस ईस्ट को भी हम अपने मैदे में ऐड कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता दूध डालते हुए हम इसे अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। नहीं डालेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे और उसे अच्छे तरीके से गूंदते जाएंगे। आटा हमारा अच्छे से गूंद चुका है, अब हम उस पे तेल लगा के राइज होने के लिए रख देते हैं। अच्छे तरीके से पैन को चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारी डव चिपके ना। चिकन हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम अपने पिज्जा सॉस की तरफ आते हैं। अब हम अपनी पिज्जा सॉस बनाते हैं, उसके लिए हम 1 टेबल स्पून ऑयल और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे। उसमें हम अपना 1 चॉप किया हुआ अनियन लेंगे और इन तीनों चीजों को हम सौते करेंगे। प्याज हमारे सौते हो चुके हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि इनका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज टोमेटोज लिए हैं, जिनको मैंने पील कर लिया था और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। अब हम अपने अनियन में टमाटर ऐड करते हैं, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 मिनट्स के लिए इसे पकाने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हमने इसे ढक के पकाया है, अब हम इसका ढक हटाते हैं और इसमें 2 टेबल स्पून मैंने चले गार्लिक सॉस लिया है, आप इसमें टोमेटो केचप भी यूज कर सकते हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट, आप इसे हसबी जायका इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून ऑरिगन। इन सारी चीजों के डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 1 मिनट मजीद पकाने के बाद हम इसे ब्लेंड करेंगे। रेडी है, अब हम अपनी डव की तरफ आते हैं। पिज्जा डव हमारी डबल इन साइज हो चुकी है, अब हम इसे अपने तवे पे ही सेट करेंगे, क्योंकि आज हम पिज्जा जो बना रहे हैं वो हम तवे पे बना रहे हैं। नेक्स्ट टाइम आपको कभी हम ओवन में पिज्जा बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले हम अपने तवे को ग्रीस करेंगे और उसके ऊपर अपनी पिज्जा बेस को हम सेट करेंगे। जैसी डव इसमें है यहीं से उठाएंगे और इसे डायरेक्टली अपने तवे पे रखेंगे और तवे पे रख के इसे सेट करेंगे। देखिए कितना प्यारा सा हमारा पिज्जा का शेप आ चुका है। अब हम इसे बीच में से पोक करते हैं ताकि ये हमारा फूले ना और अच्छा सा बन जाए और सॉस भी हमारे अंदर तक जाए। स्टोव हमने ऑन कर लिया है, लेकिन फ्लेम हमारा मीडियम है। जब ये एक साइड से पक जाएगी और वो आपको इस तरीके से पता चलेगा कि ऊपर बबल्स आने लगेंगे। जैसे ही बबल्स आएंगे हम इसे पलट देंगे।
दो से तीन मिनट पकाने के बाद अब हम इसे पलटते हैं। हमारी पिज्जा डॉग दोनों तरफ से पक चुकी है। अब हम अपने फ्लेम को फौरन ही लो कर देंगे। अब उसमें अपनी पिज्जा सॉस लगाते हैं। मैं 5 टेबलस्पून लगा रही हूँ, आप जितनी चाहे लगा सकते हैं। अब हम इसमें चीज डालते हैं। देखें कितना ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है। चाहे तो इसमें थोड़ी सी सॉस और डाल दें, जैसे मैं डाल रही हूँ। और सबसे लास्ट में इसके ऊपर एक और लेयर लगाते हैं चीज की। फ्लेम हमारा बिल्कुल लो है और इसके ऊपर हमने लिड लगा दिया है और उस वक्त तक ये पकता रहेगा जब तक कि इसका चीज मेल्ट ना हो जाए। पिज्जा हमारा रेडी हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर गोल्डन कलर आ जाए या अगर आप इसे देना चाहते हैं तो हम इसे प्रीहीटेड ओवन में रखते हैं और सिर्फ ऊपर वाली ग्रिल ऑन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, पिज्जा हमारा तैयार हो चुका है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।